दोस्तों आज हम लिमिट स्विच या कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि लिमिट स्विच का कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली लिमिट स्विच का मतलब होता है एक लिमिट के बाद किसी भी सिस्टम को कट ऑफ करना। तो इसमें एक NO है और एक NC है और यह 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 1.5 एम्पियर तक सस्टेन कर सकता है। मतलब इसका जो एम्पियर है वो 1.5 एम्पियर तक ले सकता है। और ये लिमिट स्विच हम यहाँ पे मशीन में यूज़ कर रहे हैं। ये इसका लीवर है जो कोई हम एडजस्ट करके इसको कट ऑफ के लिए सेट करते हैं। इस एलेंकी नट द्वारा हम इसको यूज़ करके आगे पीछे एडजस्ट करके लिमिट को सेट करते हैं। जितनी हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम इसको आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। यह किसी भी एक डायरेक्शन में NC होता है और NO होता है। जब हम किसी भी एक डायरेक्शन में इसको ऑपरेट करवाते हैं तो NO NC बनते हैं और इससे जो भी हमने फीडबैक ले रखा है वो हमें मिलता है। तो हम इसके कनेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने इस केबल को छील के इसके अंदर जो ग्लैंड है PVC ग्लैंड उससे निकाल लिया है। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं इसमें बेसिकली दो दो वायर का यूज़ करूँगा क्योंकि ये 4 कोर की 0.75 की केबल है 0.75। तो सबसे पहले हम दो दो वायर को छील लेते हैं और इसमें फिर हम यू टाइप लग लगा के इसको पंच करेंगे। मैंने यहाँ पे वायर को काटने और छीलने के लिए वायर कटर का यूज़ किया है। आप चाहो तो वायर स्ट्रिपर का यूज़ करके वायर को छील सकते हैं क्योंकि वायर कटर के द्वारा वायर छीलना थोड़ा रिस्की रहता है, क्या पता वायर कट भी जाए। तो सबसे पहले हम दोनों को लग को निकाल लिया है और लग को पंच करते हैं। इसमें केबल के ऊपर कोड दिया हुआ है 1, 2, 3 और अर्थिंग के लिए येलो कलर है, पर हम यहाँ पे अर्थिंग का यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम फीडबैक के रूप में यहाँ पे काम लेंगे। इसमें हमने दो वायर को इन कराएंगे और दो वायर से वापस आउटपुट ले जाएंगे और इसमें हम NC वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर वायर कटर के द्वारा वायर को छिल रहा हूँ। आप चाहो तो वायर स्ट्रिपर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर कटर के द्वारा भी हम वायर को छिल सकते हैं। ट्विस्ट करके अच्छे से इसमें लग लगाएंगे। लग लगाने के बाद हम इसके ऊपर PVC टेप भी लगा देंगे। लग लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी वायर कटना नहीं चाहिए। अगर वायर कट जाता है या फिर इंसुलेशन ज़्यादा हट जाता है तो हमारा वायर की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो अच्छी तरह से इसको पंच करके अब इस पर हम PVC टेप लगा देंगे। PVC टेप लगाने के बाद हम किसी भी एक NO NC पे कनेक्ट कर देंगे। हमें जैसे आवश्यकता है उसके अनुसार करेंगे क्योंकि इसमें एक NO है एक NC है और हमें यहाँ पे NC की ज़रूरत है। NC का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस लिमिट स्विच का यूज़ हम बेसिकली जब लिफ्ट नीचे आती है तो मतलब इस पोजीशन से ज़्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर इस पोजीशन से ज़्यादा नीचे आएगी तो हमारा लिमिट ऑपरेट हो जाएगा और हमारी जो भी कंट्रोल सप्लाई है वो सारी बंद हो जाएगी और कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले लग को पंच किया है उसी तरह हम दूसरे वाले को भी पंच करेंगे। अच्छी तरह से पंच करने के बाद हम इस पर PVC टेप लगाएंगे। तो हम एक बार इसको अच्छे से पंच कर लेते हैं। वैसे तो सभी टूल आते हैं वायर को छीलने का, लग पंच करने का, पर यहाँ पर आउट ऑफ साइड हैं तो सारे टूल मतलब लेके आना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगा, इसलिए हम जो औजार उपलब्ध है उसी से काम चला रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इस स्क्रू को ढीला करेंगे।
और इसको सही ट्विस्ट करके अच्छे से लगाएंगे। तो एक बार हम इसको थोड़ा और ढीला करते हैं। ढीला करने के बाद इसको एडजस्ट करके फिर इसको यू टाइप लॉक को हम अंदर लगा देंगे। अच्छी तरह से फिट होने के बाद ही हम इसको टाइट करेंगे, वरना क्या लूज़ कनेक्शन होगा तो ये वापस शायद निकल जाए। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करके अंदर फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स कर लिया है, अब हम इसको टेस्टर के माध्यम से अच्छी तरह से कस लेंगे। कनेक्शन हमेशा फुल्ली टाइट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लूज़ कनेक्शन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लूज़ कनेक्शन किसी भी टर्मिनल का नहीं रखना चाहिए। एक बार हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब हम दूसरे वाले टर्मिनल का नट खोलते हैं। खोलने के बाद हम जो हमारा दूसरा यू टाइप लग है जिसको पंच किया था उसको लगाएंगे। वीडियो आपको अच्छी तरह से कवर अप नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने मोबाइल को विदाउट स्टैंड के सेट कर रखा है, इसलिए हमने इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि कोई वायर इधर उधर निकल तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हम लिमिट स्विच के कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें साइड में एक स्टिकर के ऊपर लगा भी हुआ है कि इसमें से कौन सा NC है और कौन सा NO है। तो इसमें 15 नंबर कॉमन है और 15 के साथ में 16 NC है और 15 के साथ में 18 NO है। तो हम इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पे सेट करके, और लीवर को ऑपरेट करा के चेक कर सकते हैं कि जब ये ऑपरेट हो रहा है तो हमारा कौन सा NO हो रहा है और कौन सा NC हो रहा है। तो इस तरह से हम कनेक्शन करके इसकी प्लेट को अच्छी तरह से लगाकर अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे। और जो लिमिट स्विच की ऊपर वाली प्लेट है इसके नीचे रबड़ का वाइसर लगा हुआ है जो कि इसके अंदर मॉइस्चर को जाने से रोकता है। और साइड में इसके देखो जो एलंकी बोल्ट है उसके पास में एक अर्थिंग का स्टिकर भी लगा हुआ है। हम चाहे तो इसको अर्थ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने लिमिट स्विच का कनेक्शन करना भी सीख लिया होगा। तो इस तरह से हम किसी भी लिमिट स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।